हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक रिव्यू वीडियो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डर्म डॉग सैलिसिलिक एसिड। ये ना मेरा सेकेंड बॉटल है एंड आई लव दिस प्रोडक्ट, आई जस्ट लव्ड इट। मतलब ये एक्नी प्रोन ऑयली स्किन के लिए है एंड इट रिड्यूसेस ऑयल एंड सीबम प्रोडक्शन। एंड मेरा, जैसे कि आप जानते हो कि मेरा ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है एंड एक्नी प्रोन स्किन है, सो इट वर्क्स मैजिक ऑन माई स्किन। मतलब बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से ये एक्नी को कंट्रोल करता है। जो एक्नी कॉजिंग बैक्टीरिया होता है ना, उसे ये मार देता है, उसे ट्रीट करता है, ब्लेमिशेस को माइल्डली एक्सफोलिएट करता है। इसका बहुत अच्छा, अगर आप इसे लगाते हो एवरी डे बेसिस में, स्किन केयर में एवरी डे बेसिस में यूज़ करते हो, तो ये आपके स्किन में पिंपल वगैरह होने ही नहीं देगा, ये पहले ही उसे स्टॉप कर देगा और बहुत ब्यूटीफुली आपके स्किन को डीपली क्लीन करेगा। लाइक मेरा, एज आई सेड, ऑयली स्किन एंड वो है, बहुत ज़्यादा स्किन में ना ऑयल बैठ जाता है, डस्ट और पोर्स जाना वो हर वक्त क्लीन नहीं रहता है, हर एक फेस वॉश क्लीन नहीं करता है। सो दिस ना सैलिसिलिक एसिड ये अच्छे से क्लीन कर देता है आपके पोर्स को, आपके इम्प्योरिटीज़ को निकाल देता है आपके फेस से। इसका ना सबसे अच्छा बात ये है कि इसका जो पीएच लेवल है वो 4.5 है और हमारे स्किन सरफेस के लिए ना 4.5, 4.7 to 5 ये हम लोग का पीएच लेवल मेंटेन, वो जो स्किन का जो पीएच लेवल है ना, ये सबसे अच्छा माना जाता है। 4.5 से 5 तक का जो पीएच लेवल रहता है और इसमें ना 2% सैलिसिलिक एसिड है जो कि हमारे स्किन को, इम्प्योरिटीज़ को अच्छे से क्लीन कर देता है। यहाँ पर जो बेनिफिट्स लिखा हुआ है, ये ब्रेकआउट्स होने नहीं देता, एक्नी नहीं होने देता है, सीबम प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है ये, और नॉन ड्राइंग फीलिंग है। अगर आप इसे लगाते उसके बाद ना आपका स्किन जो है वो ड्राइंग नहीं होता है, ड्राई फीलिंग नहीं होता है, बहुत ही आपका स्किन जो है मॉइस्चराइज लगता है। और नेक्स्ट जो है, कीप्स योर स्किन क्लीन एंड स्मूथ। एज आई सेड, आपका जो फेस है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन रहता है, स्मूथ रहता है। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैं लगा रही थी और फिर ना ये ख़त्म हो गया था। आई स्टॉप यूजिंग इट फॉर 15 डेज और उस समय ना मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो रखा था। एंड देन अगेन आई परचेज दिस वन, आई वॉज जस्ट चेकिंग कि ये सच में इसके वजह से हो रहा है और समथिंग एल्स, क्योंकि आप जब इतना कुछ यूज़ कर रहे होते हैं ना, यू गेट कन्फ्यूज कि ये जो बेनिफिट है ये किस चीज़ की वजह से बेनिफिट मिल रहा है। इट्स फ्रॉम फेस वॉश, इट्स फ्रॉम टोनर, इट्स फ्रॉम सीरम, इट्स फ्रॉम मॉइस्चराइज़र, किस चीज़ से। सो वॉट आई डू ना, मैं चेक करने के लिए जो स्टेप्स है कुछ दिन के लिए एक स्टेप हटा देती हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि इसके वजह से ये हो रहा है या फिर फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट, यू नो, क्योंकि आपका जो स्किन में बेनिफिट मिल रहा है वो किससे मिल रहा है। सो दिस प्लेड अ गुड रोल इन एवरीथिंग। अर्लियर ये आपके स्किन को ड्राई होने नहीं देता है, आपके जो स्किन है उसको हाइड्रेटेड रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। ये फ्यूचर ब्रेकआउट से मदद करता है, ये होने नहीं देता है, आपके स्किन को स्मूथ बनाने में, आपके स्किन को एक्सफोलिएट करने में बहुत ही अच्छा काम करता है। लाइक मेरा बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स होता था, अभी ठीक है, जब छोड़ दिया था तो फिर थोड़ा पिंपल्स और थोड़ा सा स्किन जो है ना बहुत अजीब सा हो रखा था, बट अगेन व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस वन, अगेन ये ठीक हो गया। ये आपके एक्नी मार्क और एक्नी स्कार के लिए बहुत अच्छा काम करता है। दैट क्लेम्स एक्चुअली सैलिसिलिक एसिड ऐसा ही होता है, आपके एक्नी मार्क और एक्नी स्कार में ये बहुत अच्छा काम करता है। ये डार्क स्पॉट्स को फेड करने में और मार्क्स को फेड करने में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जो है 2% सैलिसिलिक एसिड है इसमें, जो कि काम करता है जब आपका स्किन जो है वो जितना भी क्लॉक पोज रहता है ना वो बहुत स्टिकी हो जाता है। ये 2% सैलिसिलिक एसिड जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है 2% का, ये उसको डिसॉल्व कर देता है और जो स्टिकीनेस है वो होने नहीं देता, जिसकी वजह से आपका
पोर्स जो है वो क्लॉग्ड नहीं होता है, वो क्लीन हो जाता है, जिससे आपका पिंपल्स वगैरह होने का चांसेस ना के बराबर हो जाता है। ये आपके स्किन टोन को इवन करता है और डिसकलरेशन से भी आपको आराम से छुटकारा दिला सकता है। इसके बारे में बात करें तो एज ये डर्म डॉग का है तो इसमें लिखा हुआ है ये है पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री, मिनरल ऑयल फ्री एंड फ्रेगनेंस फ्री। सो इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपके स्किन को हार्म करेगा, जैसे कि नॉर्मली कुछ कुछ डर्म डॉग का प्रोडक्ट्स में है। लाइक आई विल बी रिव्यूइंग नेक्स्ट एक प्रोडक्ट जिसमें फ्रेगनेंस है, और कुछ कुछ लोगों को ना फ्रेगनेंस थोड़ा इफेक्ट करता है स्किन में। तो अगर आपको प्रेगनेंस से प्रॉब्लम है तो आप ये यूज़ कर सकते हो अगर आपका सेंसिटिव स्किन है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों का ना स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो थोड़ा थोड़ा चीज़ में ना बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये कितना प्राइस का है, तो ये मैंने लिया है 15 ml और इसका जो प्राइस है 300 है, बट अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे पर्पल में आई एम श्योर यू विल गेट इट इन अ गुड प्राइस। लाइक मैंने ये ख़रीदा था, इसके साथ एक और ख़रीदा था तो मुझे वो फ्री में मिल गया था इन वन प्रोडक्ट प्राइस। लाइक मुझे इस प्राइस में एक और सीरम मिल गया था, तो ऑफर्स आता रहता है, यू कैन गो एंड यू कैन चेक इट एवरी टाइम। सो मुझे तो ये बहुत पसंद आया डर्म डॉग का, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट, आपको भी आई एम श्योर बहुत पसंद आएगा क्योंकि इट्स अ गुड प्रोडक्ट यू नो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मुझे बहुत टाइम लगता है इसके बारे में रिसर्च करने में, क्या है इसमें नहीं है, एक टाइम के बाद अपने ऊपर अप्लाई करके फिर आपके लोगों के सामने मैं ये रिव्यू लेकर आती हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो मोस्ट व्यूज़ है ना वो नॉन सब्सक्राइब का है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि यू नो इट मोटिवेट्स द अदर पर्सन आउट देयर। सो और लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।